गाइस रात के 1:56 हो रहे हैं और अचानक से रितु को हॉस्पिटल लेकर के आना पड़ा। अभी जिसको बोलते थे ना कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा, आंसू रुक ही नहीं रहे इसके, तो फिर मुझे रात में यहाँ पे लेके आना था। गाइस रात के 1:56 हो रहे हैं और अचानक से रितु को हॉस्पिटल लेकर के आना पड़ा। अभी थोड़ी सी रात में अचानक से ख़राब हो गई थी, अभी आराम मिला तो फिर लिवा के जा रहे हैं। फिर रात में बैठो, चलो मुझे लगा कहीं एडमिट न करना पड़े। लेट जाओ तुम, चले आराम है। तो रात के 1 बजे तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो इमरजेंसी में ला के हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा। हॉस्पिटल से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस छोड़ दी डॉक्टर वो दवाई दे करके, दवाई दे दी। पांच मिनट तो लगता है। गाइस 2 बज गया हमें घर पहुंचने में और रात में तबीयत खराब हो गई। बैठो, इसके घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी गर्म पानी और नमक से धुला हूँ, उसके बाद पट्टी भी कल कर दिया हूँ और डॉक्टर ने अपने हिसाब से मेडिसिन दे दिया है तो ना, और मैंने एक स्प्रे भी मार दिया है, ये नया स्पेशल लेकर ये भी मार दिया, थक के आराम लग गया है। अभी सब लोग जग ही रहे हैं घर में। चलो लेट जाओ, दवाई खाने सही हो जाए, थोड़ा सा दर्द खत्म हो जाए। सुबह फिर लेकर के आ गया हूँ किट्टो को, रात में थोड़ा बहुत आराम मिला था, लेकिन अभी सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखा देता हूँ, फिर उसका ज़्यादा आराम मिल जाए। बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा हमें, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती हैं। रात में आए थे तो सिर्फ क्रोशिन मिला, दर्द है, आज तो कम भी नहीं उठ रहा था। तो 2-3 एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ आपको, वो करनी है, बेसिक एक्सरसाइज है, जिम में जाना हो तब क्या पीछे निकल रहा है, नीचे साइड हो रहा है, बता रहा हूँ आपको एक्सरसाइज करनी है। प्रिकॉशन ये है कि आपको चौकटी मार के नहीं बैठना, पालती लगा के नहीं बैठना, सीढ़ियाँ कम चढ़नी है और नी बेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। चौकटी के लिए मना कर रहे हैं तो मतलब उतना पूरा नहीं मोड़ रहा, इतना ठीक है, चेयर 90 डिग्री, इसके बियॉन्ड नहीं, इतना नहीं, ठीक है। टावल रोल लेंगे और घुटने के नीचे लगाएंगे, जैसे मेरा ये हाथ टावल रोल है, इसको नीचे प्रेस करो, पंजा अपनी तरफ खींच के रखो, दबा के रखो, यस, पंजा अपनी तरफ खींच के रखो, पंजा अपनी तरफ खींच लो, टफ है, करो ये नीचे प्रेस करो मेरे हाथ पे, हाँ, और पंजा अपनी तरफ खींच के रखो, ऐसे ऐसे, अब दबाओ, अब दबाओ, तो इतना दबा दो कि थोड़ी सी एड़ी ऊपर, जब भी पेन हो तो लेंगे, सेफ है। एंड आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज मैंने बताया उसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज। क्या है इसके अंडर सरफेस में यहाँ पर कोई स्ट्रेस आया है,
अब स्ट्रेस आ गया, कोई ऐसा नहीं कि काट ले जहाँ से जैसे उतर गया वैसे उतर गया होगा, थोड़ा वो जोर आ गया होगा। जब भी आप नी फ्लेक्स करते हो तो ये इसमें रगड़ खाता है। जब भी आप घुटना मोड़ते हो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए या चौकटी मार के बैठते हो तो ये इतना रगड़ खाता है इसमें, जो पेनफुल पार्ट है। इसलिए आपको बहुत क्या लेने गए हैं ये? पैरों पहन बैठो, वो आ रहा है नहीं कैब के लिए बोला था। जिसको बोलते ना कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, आंसू रुक ही नहीं रहे इसके, तो फिर मुझे रात में यहाँ पे लेके आना था। दिया था और दवा डालने के लिए ना, दवा लगाना और कैफीन सिरप। नहीं नहीं वो घर से आ गए हैं और आते ही सब्जी लाने का आदेश मिल चुका है, क्योंकि आज मैंने की हुई है छुट्टी। अब जब छुट्टी करते 75 का लीलू बंद कर ले, आजा लीलू, लीलू आ जल्दी आ। कौन सा टॉफी खाएगा लल्ला? कौन सा स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी कौन सा चॉकलेट होता है जो नीचे मिलता है? किटकैट ला देंगे, ठीक है? इसको नहीं चलाते, पिन बहुत मारेंगे। और ऋषभ को आज पनीर खाने का मन था, उसके लिए पनीर ले लिया और चॉकलेट बॉय को बोला था डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये हो गया अपना, अब चलते हैं आगे सब्जी लेने के लिए। जब आ गया हूँ मैं सब्जी लेने के लिए और खीरे से शुरुआत हो रहा है आज बहुत। मौसम मस्त हो गया तो भाई सब्जी भी ले रहे हैं फटाफट और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। सो भाई सब्जी लेकर के आ गया हूँ, बेल बजा रहा हूँ कि खोल नहीं रहा है, थकाई लग गया। आलू लहसुन मशरूम प्याज खीरा गोभी और मूली और पनीर ले लो। इसको साफ कर दूं पहले, गंदा हो। तो अभी मैं खाली हुआ और रात से पूरा परिवार बहुत परेशान रहा, भाई साहब भी रात में लिवा के गए हम लोग यहाँ से, 1 बजे निकले करीबन। हुआ यूं था कि इसके घुटनों में ना हल्का फुल्का दर्द था। फिर तो कब से दर्द था? कल 7 बजे शाम से ना घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द हुआ था। मैंने लगा नॉर्मल है घुटनों में दर्द, तो चलो ये तो हो ही जाता है कभी कभी। तो रात में फिर सो गई। क्या हुआ था बताओ? मैं तो एकदम परेशान हो गया हूँ, बताओ क्या हुआ था? अभी आराम है, इंजेक्शन लगवाए हैं ना अभी ही। बोल क्या रात में इतना रो रही थी गाइस ना, मैं क्या बताऊँ। सारी चीज़ें तो सूट नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक्सप्रेस करके बता सकते हैं एक्सप्रेशन के जरिए। रात में 1 बजे ना इसका दर्द बहुत तेज़ी से होने लगा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर मैं उठा, मैं कहा तुम रो क्यों रही हो? तो रो रही थी बहुत तेजी तेजी। मैं कहा अगर तुम्हें इतना ही तकलीफ था तुम्हें उठाना चाहिए ना। तो फिर मैं उठा, फिर इसको फिर फटाफट मैंने क्या किया, मेरे पास वो था एक क्रीम है पेन रिलीफ का क्रीम, मैंने वो लगाया। लगाने के बाद फिर गर्म पट्टी बांध दी। मैं कहा चलो हो सकता है आराम लग जाए, आराम नहीं लगा। फिर मैंने क्या बोलते हैं उससे नमक पानी से धुला, वो भी नहीं हुआ। फिर ना उससे बर्फ़ से धुला, नहीं हुआ, आराम हुआ। फिर मैंने फिर भाभी उठी थी, भाभी भी साथ में लगी हुई थी, फिर उन्होंने भाई साहब को उठाया। फिर मैं भाई साहब रात में इसको लिवा गए इमरजेंसी में। अब वहाँ पे कोई घुटने का डॉक्टर तो मिला ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल वैसे डॉक्टर मिल जाते हैं इमरजेंसी में, फीवर है बुखार वैसा हो जाए। अब घुटने उठने के दर्द के लिए कौन इमरजेंसी में डॉक्टर मिलेगा? फिर उन्होंने नॉर्मल कुछ दवाइयाँ नहीं पेन किलर टाइप की वो खिलाई, उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ। तो ये 4 बजे जाकर के सोई है, 4 बजे सोई, फिर सुबह फिर वही दर्द स्टार्ट हो गया। फिर गया हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर ने फिर क्या बताया कि पूरा डॉक्टर ने वो घुटने का पूरा वो लिया
डेमो लेकर के फिर बताया कि ये पोर्शन होता है यहाँ पे इनको पेन है और ये ऐसे ऐसे करके बताया। फिर इन्होंने इनको बताया कि पैर मोड़ के नहीं बैठना है, किसी भी तरीके से मुंडने नहीं देना है और एक्सरसाइज बताया, दो एक्सरसाइज बताई हैं और पैर के नीचे टावल लगा के एक्सरसाइज करना है, तो सारी चीज़ें बताई। इतना ज़्यादा दर्द घुटने के दर्द में, इतना ज़्यादा दर्द कि मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था इससे, मैं तो परेशान हो गया एकदम, मेरे भी आंखों से आंसू गिरने लगे। और भाई अब जाकर एक मैडम ने फिर आते वक्त फिर एक इंजेक्शन लगवा दिया, बहुत ज़्यादा आराम है ना, अब आराम है। और फिर डॉक्टर ने बोला 2 वीक बाद आप फिर आइए दिखाने के लिए। भाई साहब फीस 1200 रुपये फीस है उनकी, बताओ इतना महंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी किट्टू को आराम लग गया, मेरे को यही होता है। लेकिन रात में ही तबीयत खराब होती है इसकी, इसकी रात में ही तबीयत खराब होती है, तो इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। मैं चलो आज रुक जाता हूँ, तुम्हारे साथ दिन भर रहूँगा और अभी आराम है, तो कुछ बात बात करने लगी, बोलने लगी नहीं तो भाई क्या होता है। गाइस सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि जब कोई दर्द में होता तो अपने से भी नहीं सूट होता, बर्दाश्त नहीं होता, तो जितना भी हो पाया हम लोगों ने किया। और रात में डॉक्टर को जाके दिखा दिया, बिल बाजार देखो कौन आएगा, सोना आ गई शायद, तो सब्जी वब्जी भी लेके, अभी भाभी खाना बना रही, खाना खाएंगे हम लोग, आराम है ना। तो गाइस इंजेक्शन लगाए तो घुटनों में इतना दर्द, बाप रे। तो अगर आप लोगों को किसी को भी घुटनों में दर्द अगर इस तरीके का होगा तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। दर्द होता है कि अरे क्या नाम है ऐसे, मतलब एक घुटने का दर्द होता है इंसान, थोड़ा मेरा ऐसा दर्द था कि मैं ना ऐसे पैर हिला नहीं सकती थी, ऐसे नहीं हो सकता मेरा पैर, ना ऐसे हो रहा था, ना ऐसे बस इतना, जैसे सोने में ही मैं तो सो गई थी, अचानक से ऐसे सो गई, ये सब सो गए थे, मैं बोली चलो यार हम भी सो जाते हैं, अब हल्का हल्का दर्द था, मैंने तेल लगा कर सो गई थी, मैं बोले चलो सो जाते हैं। फिर जब मैं सो गई, मेरे को जब लगा कि चलो थोड़ा सा करवट बदले, करवट गए मेरे से हुआ ही नहीं, एकदम नहीं हुआ। फिर मैं कैसे 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 जा कर के मैं उठ के ऐसे बैठी, अब मेरे से इतना दर्द था कि दर्द में मेरे को इतना रोना आ रहा था, मैंने इनको उठाया नहीं, ये शायद मेरी आवाज़ सुन रहे थे तब उठे, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, बाथरूम जा रही थी, जैसे लग रहा कि एक छोटे से बच्चे जब जैसे पौड़ पौड़ के बाथरूम वगैरह करते ना, वैसे मैं बाथरूम में जाकर वॉशरूम जाती थी। इतना मेरे को कल तकलीफ हुआ, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं दर्द हुआ था जो कल दर्द था, बहुत ही खतरनाक था। जो आपने जो दवा दिया ना, दवा नहीं, जो आइस रगड़े थे ना उससे सही हुआ होगा, क्योंकि दवा एक बार खाए सही नहीं हुआ था। आइस डॉक्टर ने भी बोला है कि आइस से सिकाई करना है आपको, तो आइस जमा हुआ है घर में, और आप लोग भी एनी टाइम घर में ना आइस जरूर जमा के रखें, आइस बहुत फायदेमंद होता है, कभी भी स्वेलिंग हो ना, कहीं पे सूजन हो तो आइस से ही सिकाई करिए। तो गाइस अभी राहत है, तो मैं आज ऑफिस नहीं गया हूँ और किट्टू रानी के साथ ही आज दिन भर रहूंगा। उम्मीद करिए कि आप लोग जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। लव यू ऑल, बाय बाय, शाम को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग।